खंडेराव के सर पे नहीं बल्कि गुन्नू जी के सर पे गिरी घोड़े की नाल और बुझ गया उनका दीपावली का दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, दीपावली ऐसा त्योहार है जिसमें हर कोई दूसरे के लिए अच्छा ही सोचता है। त्योहार बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जो भी मनमुटाव है उनको खत्म करो, गले मिलो और आगे बढ़ो। मगर यहाँ पे जो हमने देखा इस दीपावली पे वाड़े में कि गुन्नू जी ये सोच रहे हैं कि इनके घर में कैसे खुशियां हैं, मैं इनके दिए बुझा दूंगा, मैं ये प्रण करता हूँ, मैं वो प्रण करता हूँ, बहुत सारा कुछ बोल रहे हैं। और उनके पिताश्री आके भी उनको उनका उत्साह बढ़ाते हैं कि देख बेटा मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक कर दूंगा, मार दूंगा सबको। मगर हुआ क्या, उसपे चर्चा तो बनती ही बनती है दोस्तों, और खास करके उसपे जिसपे गुन्नू जी ने इस बात पे ज्यादा तवज्जो दी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग जाओ वहां पे। वो भूल गए कि ये इनके लिए नहीं, ये तो मेरे लिए था। करते हैं बात दोस्तों, मगर पहले वही निवेदन आपसे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जिस तरह गुन्नू जी ने वहां पे एंट्री मारी, जब खंडेराव और देवी अहिल्या बाहर जा रहे हैं, घोड़े की नाल गिरती है। वो घोड़े की नाल ऐसे नहीं था कि घोड़े की नाल है, वो नॉर्मली घरों में आप भी देखते होंगे, आज भी देखते हैं हम लोग, कि नजर बट्टू की तरह यूज की जाती है, कि उसको लगाते हैं ताकि नजर नहीं लगे। तो वो वहां पे उनके आगे गिरती है, जो अपशगुन माना जाता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा ये माना जाता है। और आज की तारीख में ऐसा जब कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाइए फिर चले जाइए, यानी कि थोड़ी सी उसको मॉडर्नाइजेशन दे दी गई है। मगर उस समय इन चीजों को बहुत माना जाता था। और यहाँ पे गुरु जी आते हैं, गौतमा रानी को कहते हैं कि ये सब बातें तो अब पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड स्टोरी है, और इस बात का कंपैरिजन वर दक्षिणा से करते हैं, जबकि वर दक्षिणा की बात ग्रंथों में क्लियरली लिखी हुई है। अहिल्या ने वर दक्षिणा खत्म थोड़ी की है, उन्होंने कहा कि जो भी है पिता की मर्जी से, लड़की के पिता की मर्जी से जो उनका मन है वो दें। वर के जो फादर है वो जबरदस्ती राशि को नहीं ले सकते हैं, यानी कि वो प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। ये बात उन्होंने इसके साथ मिक्स की कि ये भी तो ओल्ड थ्योरी है, जो अपशगुन ये ओल्ड थ्योरी है, आप जाओ, क्योंकि उनको पता था कि उनके पिताश्री आगे बारूद बिछा के बैठे हैं मारने के लिए खंडेराव को और देवी अहिल्या को। इसलिए उन्होंने उस घोड़े की नाल का असली मतलब ही नहीं समझा कि ये इनके लिए नहीं मेरे लिए भी तो हो सकता है अपशगुन, क्योंकि उनके पिताश्री भी तो निकले हुए हैं अपनी मुहिम पे, और अब शगुन तो उनके साथ ज्यादा होता है जो बुरे काम करते हैं, जिन्होंने अच्छा काम करना उनके साथ सब शगुन ही शगुन है। तो इसीलिए मैंने कहा कि उस समय गुन्नू जी जिस तरह से उनको भेज रहे थे, जाइए जाइए ऐसा कुछ नहीं, परंपराएं ये सब कुछ बोल रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि ये जो तलवार आगे मैं सोच रहा हूँ कि देवी अहिल्या और खंडेराव पे आने वाली है, ये तो मेरे पिताश्री पे ही आने वाली है। और पिताश्री को जब पहली बार पकड़ा था तब भी गुन्नू जी बिल बिला गए थे, अब तो पिताश्री को रंगे हाथों पकड़ भी लिया और साथ में अब पिताश्री ने खंडेराव पे हमला भी कर दिया है। तो अब तो गुन्नू जी जो है कैसे इसको देखते हैं, क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो लोग दूसरों के दिए बुझाते हैं उनके दिए ऐसे ही बुझते हैं। काली दिवाली हो रही थी ना गुन्नू जी की, हो गई अच्छे से, सारा का सारा मामला सामने आ गया। तो अब इसको आगे कैसे हैंडल किया जाता है उस पे पूरा का पूरा ध्यान रहेगा हम सबका। मगर वही चीज मैं हमेशा जो कहती हूं वही कहूंगी, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो उसी खड्डे में खुद गिरते हैं, जो इस कड़ी में हमने देखा। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।